तो दोस्तों, कपूर खानदान फिलहाल राजीव कपूर के निधन का शोक मना रहा है। राजीव का 9 फरवरी को हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया। इस दुख की घड़ी के बीच राजीव के बड़े भाई रणधीर कपूर ने अपने फैंस के साथ अब कपूर खानदान में एक नए सदस्य के आने को लेकर एक खुशखबरी को शेयर किया है। दरअसल रणधीर कपूर की बेटी करीना कपूर प्रेगनेंसी के आखिरी चरण में है और जल्दी बच्चे को जन्म भी देने वाली है। अब उनकी डिलीवरी डेट के बारे में जानकारी सामने आई है। करीना के पिता रणधीर कपूर ने डेट का खुलासा कर दिया है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। मैं हूँ आपका दोस्त आकाश और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। तो दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणधीर कपूर ने अपने एक बयान में बताया कि करीना की ड्यू डेट 15 फरवरी है। जी हाँ दोस्तों, 15 फरवरी को डिलीवरी एक्सपेक्ट की जा रही है। करीना और सैफ अली खान का ये दूसरा बच्चा होगा। दोनों का 4 साल का एक बेटा तैमूर भी है। करीना ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस तस्वीर में राज कपूर अपने तीनों बेटों रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर के साथ भी नजर आ रहे थे। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि राजीव तीनों भाइयों में सबसे छोटे थे और उनकी उम्र महज 58 थी। पिछले साल ही कपूर खानदान ने ऋषि कपूर और रितु नंदा को खोया था। आपको बता दूं कि रितु राज कपूर की बड़ी बेटी थी। वहीं बात करें करीना कपूर की, तो वो अपने प्रेगनेंसी पीरियड को काफ़ी इंजॉय कर रही हैं। एक के बाद एक लगातार वो सोशल मीडिया पर तस्वीरों के जरिए अपने फैंस को अपडेट भी दे रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रेगनेंसी को लेकर बात करते हुए कई वीडियोस सोशल मीडिया पर भी शेयर की हैं। दोस्तों, सैफ और करीना ने पिछले साल प्रेगनेंसी का ऐलान किया था। अगस्त में दोनों की ओर से एक बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि हमें ये ऐलान करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे परिवार में एक नया सदस्य आने वाला है। हमने सभी शुभचिंतकों का प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं। करीना ने प्रेगनेंसी के दौरान आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग भी पूरी कर ली थी, जो इस साल क्रिसमस पर रिलीज भी हो जाएगी। नेक्स्ट नाइन लाइव से आकाश।